दोस्तों पेपर प्लेट की इतनी सारी जानकारी है कि आप लोग अगर यदि चाह के भी पूरा नहीं कर सकते हैं और बहुत सारा जानकारी हम वीडियो में दे भी चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि आप लोगों को नहीं मिली है तो आज हम ऐसे ही एक जानकारी के बारे में आपको बताएंगे जो कि जी से जुड़ा है और जीएसटी वाला जो प्रॉब्लम है आज तक हम कभी किसी को नहीं बताए हैं और ना तो कभी किसी ने पूछे हैं अभी कुछ दिनों से कुछ बंदे का व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज आया कि सर जीएसटी के बारे में बताएं कि हम मशीन जीएसटी पे लें या फिर विद आउट पे लें नए हैं तो हम कैसे काम करें उसमें क्या बेनिफिट होगा तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत खास होने वाला है तो इसलिए जो नए बंदे हैं वो भी देखें और जो पुराने हैं वो भी देखें जो इस काम को करना चाह रहे हैं वो भी देखें क्योंकि बात जो है वो जी की है लोग मशीन लेते हैं तो उनको जी चार्ज पे करना पड़ता है मान लेते हैं उसका जी चार्ज पे करना पड़ता है उस पर लोगों को क्या असर पड़ता है हम ये बात करेंगे आज और ये भी बताएँ कि जी आपको कब लेना चाहिए और जी में क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है ये सब बात करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यदि आप नए हैं और पहली बार मशीन ले रहे हैं मटेरियल ले रहे हैं तो उसमें मिला जुला के जो खर्चा है वो पड़ जाता है डेढ़ दो लाख रुपये बैठ जाता है उस स्थिति में यदि आप जीएसटी पे मशीन लेते हैं तो या तो पूरा जीएसटी पे लें जितना आपको दो लाख ले रहे हैं तो दो लाख का जीएसटी कटवाएं और या तो फिर आप ले ही ना क्योंकि बहुत लोग क्या कर रहे हैं अभी कि मशीन ले रहे हैं पचास हज़ार का मशीन ले रहे हैं एक लाख का जीएसटी एस टी हज़ार दस हज़ार के बिल पे कटवा लेते हैं और वो फिर किसी काम का नहीं रहता है तो यदि आप जी पे कर रहे हैं तो फुल पेमेंट का जीएसटी करवाएं उसमें आपको प्रॉफिट आने वाले टाइम में होगा क्या होगा ये हम आपको बताएंगे अभी वीडियो में बने रहें और यदि आप दस हज़ार का मशीन बोल के जी करवाते हैं एक हज़ार दो हज़ार का उसमें कोई फ़ायदा नहीं वो है, है वो एक तरह से मूर्खता है बेवकूफ़ी है वो चीज़ ना करवाएं यदि आपको कुछ करना है तो या तो आप स्टार्टिंग में जी ले ही ना क्योंकि अगर आप जीएसटी लेते हैं तो मान लीजिए दो ढाई लाख रुपए ढाई लाख रुपए का आपका मशीन मटेरियल बैठता है और उसका आप जीएसटी लगाते हैं तो उस पर आपको अठारह परसेंट जी लग जाता है तो अठारह परसेंट के हिसाब से जीएसटी का आपको पैंतीस चालीस हज़ार रुपये लगभग उस पर उतना अमाउंट बैठ जाता है जो कि जी का होता है तो वो आपको अगर यदि आप दो लाख का मान लिए तो आपको ढाई लाख रुपए पहुंच जाएगा ढाई के लिए तो लगभग तीन पौने तीन लाख पहुंच जाएगा जीएसटी जाएग लेकर के तो वो आप अगर यदि करते हैं तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा महंगा पड़ेगा जितना आप जीएसटी पे करेंगे उतना आपका रॉ मटेरियल और हो जाएगा तो इसलिए यदि आप नए हैं और आपके पास पैसा कम है तो जीएसटी नहीं विदाउट जीएसटी पे काम करो विदाउट जीएसटी पे काम करो तो आपको बीस तीस हज़ार पचास हज़ार रुपये बच जाएंगे और यदि आप जी लेते हो या जी एस पर काम करना चाहते हो तो जी का फ़ायदा कब होगा ये हम बात करते हैं जीएसटी यदि आप लेते हैं पूरी मशीन का या पूरा मटेरियल का तो दो ढाई लाख का आप मटेरियल लेते हैं मशीन लेते हैं मिलाकर जी अगर उसका लेते हैं तो उस पर आपको बेनिफिट होगा कब जब आप कहीं से लोन लेना चाहें या फिर किसी से किसी बैंक वाले से हेल्प लेना चाहें तो वहाँ पे आप ये चीज़ दिखा सकते हैं कि मेरे पास में इतना का प्रॉपर्टी है इसका हमने सरकार को जीएसटी भी पे किया है और हमें इस पर लोन चाहिए तब जा कर के वो जी वाला पेपर जो है वो आपको फ़ायदा करेगा लेकिन वो भी फ़ायदा करेगा कब कि जब आप काम में एक्सपर्ट हो जाओगे और जब आप लोन लेने जाओगे तब आप दिखाओगे तो वो फ़ायदा करेगा ये नहीं कि आप मशीन ले लिए मेरा वीडियो देख लिए आप ये चीज़ फ़ायदा सुन लिए और मशीन ले के पचास हज़ार का जी भी कटवा लिए ये दो लाख का जी एस मान लीजिए अढ़ाई लाख का पचास हज़ार चला गया पैंतीस हज़ार चला गया वो भी आप डाल दिए तुरंत बैंक पहुँच गए तो तुरंत लोन नहीं मिलेगा जब आप बैंक में जाओगे जीएसटी पेपर लेकर के तो वो भी आपका पेपर देखे कितना पुराना है क्योंकि उस हिसाब से आपका वो एक्सपीरियंस जांच करेगा कि यदि छः महीना पेपर पुराना है छः महीना पहले मशीन लिया है और लगातार वर्क कर रहा है काम कर रहा है तो उसको छः महीने का एक्सपीरियंस है तो जल्दी आपका लोन सेंशन करेगा यदि आप मशीन ले करके तुरंत चले जाते हैं बैंक में कि हम सर इतना का मशीन लिए हमको इतना लोन चाहिए मेरा जीएसटी पेपर है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है वैसे स्थिति में आपको लोन क्या वो आपसे सीधे मुझसे बात भी नहीं करेंगे तो हमारे हिसाब से यदि आप इस काम को करते हैं तो स्टार्टिंग में तो आप ले ही ना जी एस टी विदाउट जी एस टी पर काम करें और यदि जी एस टी लेते हैं तो उसको छः महीने के बाद बैंक में अप्रूवल करवाएं जाके ताकि आपका काम जल्दी से हो सके और उस पर आपको जो है काम अच्छे से कर सकें क्योंकि बहुत लोग अभी इस काम को करके फंस रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं उसका कारण ये है कि वो समझ नहीं रहे हैं पहले काम को और वैसे ही वो काम कर ले रहे हैं तो जो बिना समझे सोचे काम करेंगे वो अक्सर फंसते ही हैं और बर्बाद ही होते हैं तो उस चीज़ के लिए लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे तो हम किसी को समझा ही नहीं पाएंगे क्योंकि दो मिनट चार मिनट की बात होती नहीं कि आपको फ़ोन पे हम बता देंगे यदि हम आपको एक सवाल का जवाब देंगे आपका दूसरा सवाल खड़ा हो जाएगा दूसरा देंगे तीसरा खड़ा हो जाएगा तो वैसे में हम नहीं कर पाएंगे यदि आपको काम को करना है तो आपको मेरे पास आना होगा बैठ के बात करना होगा तब हम आपको कुछ भी आइडिया बता पाएंगे और विस्तार से आपको समझा पाएंगे और जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं समझ के कर रहे हैं उनका काम ना तो कभी बंद हुआ है और ना कभी फ्लोप हुआ है क्योंकि अगर यदि आप अच्छे से समझ के करते हैं और सब कुछ जान के करते हैं सीख के करते हैं तो आपको बहुत ही कम परेशानी होगा होगा इस बिजनेस में क्योंकि जैसे, लो, जैसे इस लोग जैसे ऐसे लोगों को समझ आता है वैसे ऐसे लोग काम करते हैं तो यदि आप बिना सोचे समझे काम करते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो कि सक्सेसफुल होते हैं बाकी तो जो है वो फैल ही होते हैं क्योंकि उनको अच्छे से पता होता नहीं है जानकारी होता नहीं है कि हमें कितना में क्या करना है कैसे प्रॉफिट होगा कैसे लॉस होगा कैसे हमको बचत करना है कैसे मशीन को हैंडल करना है तो इन्हीं सारी कारण की वजह से लोग जो है परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि पैसा लगाना बहुत आसान है लेकिन पैसा कमाना बहुत मुश्किल है इस चीज़ से आप लोग बचें यदि काम को करना है तो पहले समझें उसके बाद करें क्योंकि जब लोग फ़ोन करते हैं ना मशीन लेने के बाद कि हम ये चीज़ लिए फंस गए तो मुझे बहुत दुख होता है लेकिन क्या करें बाद में हम क्या करेंगे आप ले चुके हो उसके बाद फ़ोन कर रहे हो तो अब हम क्या कर लेंगे तो इसलिए कुछ भी करने से पहले उसको अच्छे से जांच पर रख लो उसके बाद आप करो तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद